तो अभी आप देख सकते हैं हम अपने खेत पर, और हमारे खेत में है धान की खेती। तो इस खेती में काफ़ी ज़्यादा बीमारी लग चुकी है, नुकसान हो चुका है। अगर हमने इसको अभी ध्यान नहीं दिया तो हमारी फसल बर्बाद होना तय है। तो हमारी जो फसल है वो निकल चुकी है धान की, आप देख सकते हैं कच्चे हैं अभी बिल्कुल, अभी इसमें कुछ भी दाना नहीं पड़ा है। अगर हमने अभी ध्यान नहीं दिया तो ये फसल जो है वो बर्बाद हो जाएगी। तो इस फसल में हमारी लग चुकी है पंखी, अगर हमने इस पर स्प्रे नहीं की तो हमारी फसल जो है वो बर्बाद होना तय है। इसलिए सभी लोग अभी ध्यान दे देते हैं, जो पंखी बोल सकते हैं आप, तितली बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, आपके लिए वो सब यहाँ पर देखने को मिलेगी। और हम जो दवाई लेके आए हैं वो हम आपको दिखा देते हैं कि हम पंखी में कौन सी दवाई लगाते हैं। और अगर हमारे यहाँ डैडी जी देख सकते हैं स्प्रे कर रहे हैं खेत में, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जहरीली दवा है, इसलिए हमने मुंह पर कपड़ा बांधकर दवाई जो है वो स्प्रे करा रहे हैं, और इससे हमारी बॉडी पर कोई भी इफेक्ट ना पड़े। और भी खेतों में दोस्तों देख सकते हैं धान है, लेकिन इसमें अभी तक फसल की जो बालियाँ हैं वो नहीं निकली हैं। और हम यहाँ पर देख सकते हैं आए हैं, काफ़ी दूर है हमारा खेत बाइक से, और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हम दवा कौन सी लेके आए हैं। आप देख सकते हैं यह है एक दवा जो हम धान में लगाते हैं, असिप्टा, और काफ़ी ज़्यादा इसमें बदबू आ रही है, काफ़ी ज़्यादा नुकसानदायक है। इसके बाद में हमने एक चमक के लिए और लगाई है, वो जो कि लिक्विड टाइप का होता है, इसमें वो दुकानदार देते हैं, और इसे मिक्स करने के बाद में देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा दूध टाइप का ये हो गया, लेकिन काफ़ी ज़्यादा घातक है। और पानी के लिए हम यहाँ लेके आते हैं कैन वगैरह, और आप देख सकते हैं स्प्रे हमारे खेत में चल रही है और पूरे खेत में लगभग हो ही चुकी है, थोड़ा बहुत रह गया है। और बराबर और खेत में दोस्तों जो है आप देख सकते हैं इसमें भी बाली नहीं लगी, लेकिन इसमें आज अनदिन चल रहा है, पानी लगा रहे हैं, सामने पैप पड़ा है, तो इस टाइप से यहाँ पर हमारे यहाँ स्प्रे वगैरह होती है। पानी करो दो के ना लगाई कैन सीधी कर दो, तो आप दे सकते हैं स्प्रे करने के लिए हमको ये वाली पीठ वाली टंकी, जो आप आजकल दे सकते हैं कि चार्जिंग वाली जो टंकियां हैं वो स्टार्ट हो चुकी हैं, आप चार दिन पे लगाइए और बटन दबाइए, बात ख़त्म। पहले आती थी हाथ से, आपके लिए ऐसे ऐसे करना पड़ता था, फिर प्रेशर बनता था उसका, तो वो टंकियाँ सारी ख़त्म हो चुकी हैं। अब तो पेट्रोल वाली भी, डीजल वाली भी दोस्तों जो टंकियाँ हैं वो आ गई हैं, अब तो ड्रोन काफ़ी ज़्यादा दोस्तों मॉडल ज़माना हो गया, उसी टाइप से टंकियाँ आना स्टार्ट हो गई हैं। तो आपके लिए दोस्तों अगर आप भी खेती करते हैं और अगर आपकी पंखी लग जाती है, या दोस्तों आप बड़े खेत करते हैं, आप बड़े ज़मींदार हैं, तो आप बताइएगा कि कौन कौन सी दवा यूज़ करते हैं जिससे हम छोटे किसान, दोस्तों हम जैसे छोटे किसान जो होते हैं वो अच्छी दवा का यूज़ कर सकें, क्योंकि हम लोग जो वही दवा लाते हैं जो दुकानदार दे देते हैं, तो इस टाइप से हम अपनी खेती का बचाव करते हैं। और गाँव से दूर हैं तो स्प्रे लास्ट टंकी हो रही है, उसके बाद में हम चलते हैं घर। नई वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद लीजिएगा हमारी।